नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज। मैं विजय खौसे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का सदस्य बनकर हमें आर्थिक मदद करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। समाज में अच्छे कार्य करने वाले समाज सेवकों को किया गया सम्मानित। मेहरुन्निसा बहुउद्देशीय कल्याणकारी चैरिटेबल संस्था का उपक्रम। सम्मान से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से राष्ट्र की निर्मिति होती है। समाज में सच्चा अच्छा कार्य करने वाले समाज सेवकों का सम्मान करना भी एक सेवा है। जो सेवा मेहरुन्निसा बहुउद्देशीय कल्याणकारी चैरिटेबल संस्था की ओर से रविवार को शाम 5 बजे समाज सेविका श्रीमती मेहरुन्निसा मोबिन खान उर्फ निशा खान के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में की गई। समाज में अच्छे कार्य करने वाले समाज सेवकों को शाल, श्रीफल, सम्मान पत्र, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया, जिसमें WH न्यूज के संपादक विजय कुमार खौसे का भी समावेश है। वही डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, विद्यार्थियों के साथ ज्येष्ठ नागरिक, समाज सेवक, पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के मौके पर पूर्व मंत्री अनिस अहमद, नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य, रश्मि उइके, अनिल पाटिल, पूर्व प्रशासकीय अधिकारी किशोर गजबिये, आवेश कादरी, नगर सेवक जुल्फिकार भुट्टो की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति रही। उपस्थित सभी मान्यवरों ने सम्मान समारोह को मार्गदर्शन किया और वरिष्ठ नागरिक और गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार करने जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम रखा गया है, आज सम्मानीय लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोरोना काल में भयंकर महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए कई लोगों की जानें बचाई। उसमें सबसे बड़े कोरोना योद्धा रहे हमारे डॉक्टर्स, जो एक सिपाही का रूप लेकर काम करे। वैसे ही पुलिस कर्मी ने भी अपनी पूरी कर्तव्य प्राणता निभाते हुए जाबाज सिपाही बनकर हर जगह खड़े रहे। ना उनको अपने की भूख और मई की धूप उनके हौसले को कम नहीं कर सकते। पत्रकार भाइयों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कोरोना की लेकर जब लोग भाई ताई कर रहे थे, घबरा रहे थे, उस वक्त कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया के जरिए सही खबरें और सही बातें लोगों तक पहुंचाई। सबसे अहम भूमिका निभाई हमारी सामाजिक, जो एक आम नागरिक और एक खास नागरिक भी इस पल में जुड़ा। उस वक्त जब लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उस वक्त हमारे युवा संगठन में कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए जिन्होंने उस वक्त ऑक्सीजन की, बेड की, दवाइयों की, इंजेक्शन की, वेंटिलेटर की और न जाने क्या क्या सुविधाएं के लिए अपनी नींद और चैन को ताक में रखे 24 घंटे इस कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इस कोरोना महामारी के दौरान जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2 सालों में कई परिवारों ने, कई रिश्तेदारों ने अपनों को खोया है। ऐसे में ये कोरोना योद्धा जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने परिवार को, अपने आप को हॉस्पिटल में इस तरह से ये किया कि घंटों महीनों वो कोरोना मरीजों का काम करते रहे। और इस ब्रेड में कई लोग जो है वो कोरोना पेशेंट भी हुए और हमारे कई डॉक्टर्स जो है वो इस बीमारी से जो है वो अल्लाह को प्यारे भी हुए। तो हम ऐसे सम्मानीय लोगों को आज सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके बारे में कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। तो आज मेरी ये मेरा उद्देश्य यह है, ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य यह है कि इंसान की पहचान जो होती है उसके कर्मों से होती है। चाहे उसके अच्छे कर्म उसके पहचान बनाते हैं, उसके बुरे कर्म भी उसके पहचान बनाते हैं। और मेरा कहना है कि हम समाज, पहले हम सामाजिक है, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ छोटे से बड़े होते हैं, समाज से हम आचार विचार व्यवहार सीखते हैं अपने वरिष्ठों, जो हमारे वरिष्ठ है वो हमारे लिए एक आदर्श है। तो सबसे पहले हम सामाजिक है, उसके बाद में सभी राजनीति जीवन में प्रवेश नहीं करते। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं अपने एरिया
कैसे आपने प्रभाव सी नहीं, चाहे मुझे नागपुर के जिस भी कोने से आवाज आती है मैं उसको अपना फर्ज समझती हूँ और अपना कर्तव्य समझती हूँ, क्योंकि इंसानियत यही कहती है कि अपने प्रभाव में रहने वाले के लिए हम अगर कोई काम करते हैं तो वो तो हमें जानते हैं, लेकिन हम अगर दूसरे के प्रभाव में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कुछ करते हैं तो उसके उसके दिल से दिली दुआ निकलती है। और मैं यही चाहती हूँ और आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले वक्त में हम एक मिसाल कायम करें, और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं मरते दम तक के बस सामाजिक सेवाएं करते रहूं, समाज के कुछ काम आते रहूं, राजनीति से मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है। और लोगों का ये अनुमान है कि महमूदा खान जो ये काम कर रही है तो आने वाले चुनाव में शायद वो जीत की हकदार होगी, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि नहीं, अगर अल्लाह ताला इज्जत देने वाला अल्लाह है, शोहरत देने वाला अल्लाह है और दौलत देने वाला अल्लाह है, अगर मेरे तकदीर को वो लिखा है और मैं उस काबिल होंगी और लोगों ने अगर चाह तो मुझे चुनकर लाएंगे, वरना मुझे कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ समाज सेवा में अपना जिंदगी में जो भी फर्ज है वो निभाऊंगी। और ये चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार इस तरह से बने रहे, इसी दुआओं के साथ में, इसी बात के साथ में मैं अपने आज की विशेष खबर, कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें, ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्य बने और हमें आर्थिक मदद करें। धन्यवाद।